अभी हमें जबलपुर में, और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये जबलपुर में इतनी बेहतरीन तरीके से सिरोही बकरी का पालन यहाँ पर हो रहा है। मैं आया हुआ हूँ फौजी साहब के फार्म पर और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सर पिछले एक साल से सिरोही बकरी का पालन कर रहे हैं, और बहुत सारी बारीकियाँ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो अक्सर बाहर से कभी भी कोई भी ब्रीड अपने इलाके पर लेकर आते हैं, खास करके अगर हम बात करें जब हम उसे 400-500 किलोमीटर दूर से कहीं लेकर आते हैं, तो क्या क्या समस्याएं देखने मिलती हैं, किस तरीके से उन्हें अपने यहाँ पर ढाला जाता है, और इन्हीं के बारे में जो इनका एक साल का 1.5 साल का अनुभव रहा है, क्योंकि 1.5 साल इसलिए मैंने बोला कि भाई एक उससे पहले फार्म की तैयारी पर लगे थे, किस तरीके से शेड का निर्माण करना है, कितनी जगह पर हमें शेड बनाना है, कितनी बकरियों के साथ शुरू करना है, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग ये पहले से ही कर रहे थे। साथ में इन्होंने फिर उसे और बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। तो क्या क्या समस्याएं अमूमन हमें देखने मिलती हैं जब हम बाहर से बकरियां लेकर आ रहे होते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से ये सर सिरोही की बकरियों का पालन कर रहे हैं, तो चलिए इनसे मिलाते हैं आप सभी को, और इनका जो अनुभव है जो बिल्कुल रियल और रॉ है वो आपको दिखाते हैं, किस तरीके से है ना, ख़ास करके जब बकरियां लेकर आते हैं हम, तो किस तरीके से बकरियों को अपने यहाँ पर ढालें ये सबसे बड़ी चुनौती बनी रहती है, तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सर स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और कब से फार्म कर रहे हैं, अपना फार्म कहाँ पर है और बकरी पालन में कैसे आना हुआ, ये थोड़ा सा बताइए। मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ जी। जबलपुर में मैं इमलिया मोड़ परियट पनागर में रहता हूँ जी। और बकरी का धंधा यूट्यूब पे देखकर मैंने बकरी का धंधा चालू किया, थोड़ा सा हम भी और वैसे ही चालू करके फिर मैं आए, फिर अपना उसमें लगे रहे, धीरे 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 10+1 लाए रहे, राजस्थान से ही जाकर अपने से खुद स्वयं जाकर लेकर आए जी जी। और लाए अपना पालन चालू किए। चलिए अपन अंदर चलते हैं, बकरियों की तरफ चलते हैं और देखते चलते हैं, और फिर अपन और जो जानकारी है वो आपसे लेते चलते हैं। तो सर मुझे ये थोड़ा सा बताइए, कितना समय हो गया आपको फार्म खुले हुए, है ना, कितने समय से आप इसमें काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हमें सर 1.5 साल हो गया सर लाए हुए, 1.5 साल से हम कर रहे हैं जी। 10+1 ला रहे सर, उसमें कुछ अपनी मॉडिलिटी भी हुई वहाँ से, और वहाँ के वहाँ यहाँ में दोनों में वातावरण थोड़ी सी दिक्कत परेशानी रहा, बाकी अब यहाँ ठीक हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। अच्छा, जो उनके बच्चे हैं उनके अच्छे बच्चे निकले हैं जी, जे उन्हीं के बच्चे हैं, जो बकरा उन्हीं का बच्चा है। अच्छा, ये भी उसी के, ये अपने घर पर ही जन्मा हो, ये अपने घर में ही पैदा हुआ। थोड़ा सा और इसे पीछे लीजिए, थोड़ा सा पकड़ लीजिए इसे, थोड़ा पीछे लीजिए तो अपन इसे दिखाते हैं, है ना। बहुत अच्छा, ये अपने यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ पर हुए हैं ना जी, यहीं पर हुए हैं। तो अभी टोटल कितने नंग हुए, जैसे 10 लाए थे तो उसमें जैसे आपने कहा कि कुछ की मॉर्टिलिटी भी हुई है, भाई है। तो अभी अपने 27-28 नंग हैं टोटल छोटे बच्चे से मिला के, छोटे बड़े सब मिला के। अच्छा जी सर, जो आप बकरियां लेकर आए थे सर, किस उम्र की बकरियां लेकर आए थे ये थोड़ा सा बताइए। ये 1.5 साल की बकरियां लेके आ रहे हैं। प्रेग्नेंट थी, खाली थी? प्रेग्नेंट थी, 2-4 उसमें खाली थी, बाकी सब प्रेग्नेंट थी। अच्छा जी, मतलब 4 प्रेग्नेंट रही, बाकी खाली भी जी। तो फिर उनके बच्चे यहाँ पर हैं, है ना, फिर जो खाली थी वो यहाँ पर क्रॉस हुए। तो अभी कितनी बार बच्चे दिए हैं आपकी बकरियों इन 1.5 सालों में, ये थोड़ा सा? 1.5 साल में दो बार बच्चा दे दी, एक बार आई रही उसमें प्रेग्नेंट थी तो वो बच्चा दी, फिर अपने यहाँ भी एक बार सब बच्चा दे दी है, और फिर से अब क्रॉस हो चुकी है, दोबारा फिर अपने यहाँ क्रॉस हो रही हैं, है ना जी, फिर से क्रॉस हो रही। तो सर जैसे वहाँ से आप बकरी लेकर आए थे, आप खुद गए थे किसान के यहाँ से आप बकरी लेकर आए थे कि किसी ट्रेडर के वहाँ से बकरी? नहीं, किसान के यहाँ से स्वयं जाकर लेकर आए थे। किसान के यहाँ से ही जाकर लेकर आए? तो मुझे ये बताइए कि फिर उन बकरियों को आपने यहाँ पर ढाला कैसे, क्योंकि वहाँ पर जो बकरियाँ थीं वो तो चराई पर थीं,
जी है ना, तो आपने कैसे कैसे उसको अपने यहाँ पर ढाला ये थोड़ा सा समझाइए, और जो हमारे नए दर्शक हैं वो इस बात से ज़रूर आपकी सहमति जताएंगे और उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई बाहर की बकरी को हम अपने यहाँ पर कैसे ढाल सकते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। उसमें कुछ नहीं, अपने यहाँ लाइए, अपने यहाँ थोड़ा वहाँ के खाने पीने, यहाँ के खाने पीने में अंतर है, थोड़ा सा उनको देखभाल करना पड़ता है, थोड़ा सा उनको वहाँ में यहाँ बहुत अंतर है, फिर भी ऐसी सब दवाई थोड़ा बीमार उमार पड़ते रहे, दवाई वही कराए सब, फिर अपने यहाँ के माहौल में ढलने लगे, धीरे धीरे आ गए अपने। जी तो अभी खाने के लिए आप क्या क्या देते हैं, आपको कब कब खिलाते हैं ये थोड़ा सा बताइए। खाने के लिए चना का भूसा देते हैं, चना का भूसा देते हैं, मसूर का भूसा देते हैं, उसका मटर का भूसा देते हैं, बटरी का। अच्छा, ये उसी का भूसा पड़ा हुआ है, उसी का भूसा डला हुआ है। अच्छा, ये मटर का है। जी, मटर का भूसा है। जी जी बिल्कुल। तो सर क्या क्या समस्याएं शुरू में देखने मिली, थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए मुझे, कि समस्याओं के रूप में अगर हम बात करें तो यार बाहर की बकरी को लाते हैं तो ये इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा हमें, ये थोड़ा सा बताइए। वहाँ अब वहाँ क्या है, थोड़ी सी दूसरे माहौल है, यहाँ क्या है दूसरा है, थोड़ा सा उनमें दिक्कत होता है, तो अपन उसको माहौल में ढालने के लिए थोड़ा सा इनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। जी इस मेहनत करके सब पल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी है, थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी होता है शुरू में आने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अभी आप टोटल स्टॉल फीड पर रखते हैं कि आप कुछ बाहर भी लेकर जाते हैं चराई वगैरह के लिए भी? बाहर एक आध घंटे के लिए घुमाने के लिए ले जाता हूँ, घुमा के ले आता हूँ। जी पापा जी हैं, पापा जी लेकर चले गए, नहीं तो मैं लेकर चला जाता हूँ। तो सर मेरा एक सवाल है, जैसे आपने भाई प्लानिंग करी यार मुझे 10 के साथ शुरू करना है, तो किस तरीके से पहले भाई आदमी शेड निर्माण करता है, तो कैसे आपने इनके रखने की व्यवस्था कैसे बनाई ये थोड़ा सा बताइए, फिर उसमें और अभी किस तरीके से रख रहे हैं या आगे कैसी प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास बच्चे भी बढ़ रहे हैं, बकरियां भी बढ़ रही हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग है ये थोड़ा सा बताइए। सर पहले तो मैं लाया रहा, मैं तो ऐसे ही लाया रहा, जैसे ऊपर शेड डाले रहे। अच्छा, ऊपर शेड डाले, डाल के फिर ऐसे ही लेकर आए, ऐसे ही खुले में रहे, फिर धीरे धीरे इनको जे बांस उससे ला के घेर घर के फिर इनको बनाए अंदर किए, फिर धीरे धीरे फिर इनकी और फिर ये खाने की इनकी व्यवस्था बनाए, ट्रे वगैरह भी, ट्रे वगैरह बनाए, फिर धीरे धीरे ऐसे करके इनको बनाते गए, बढ़ाते गए और इसी में चलते रहे। अभी जैसे आप संख्या बढ़ रही हैं आपके यहाँ पे बकरियों की, तो इसमें आगे क्या सुधार करने की जरूरत है? आगे ये सुधार करने, मैंने देखा है कि आपने बढ़िया जुगाड़ से ये बांस लगा दिए हैं, ना के खर्चे के बराबर ही हैं, आपके क्षेत्र में मिल जाते हैं, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखा है कि यार ज़्यादा हम अभी इसमें ज़्यादा खर्चा ना करें, है ना? जी, शुरू में सोचे नहीं खर्चा ज़्यादा ना हो, अब जैसे जानवर बढ़ रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि इनकी व्यवस्था और अच्छे से करनी चाहिए, तब ये बांस बल्ली जी अलग करके फिर इनमें जाली लगवाना है, जाली लगवा लेंगे तो अच्छे खंड खंड बन जाएंगे, तो फिर इनके रहने की दिक्कत में परेशानी नहीं रहेगा, प्रेगनेंट अलग रहेंगे, बकरे अलग रहेंगे, अच्छा पाठ अलग रहेंगे, ऐसे ऐसे करके इनको अलग अलग करना है। बकरा आपसे जितने देर से देख अपन बात कर रहे हैं उतने देर से आपके पास है, इसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बेहतरीन ये बकरा लग रहा है मुझे, देखिए अजमेरी पैटर्न पे शानदार बकरा है ये, गजब जी। कितने दांत पे होगा सर ये? जी सर 6 दांत के होने वाला है। अच्छा जी सर, 6 दांत? जी सर। और अभी ये जो रिजल्ट यहाँ पर घूम रहे हैं ये इसी बकरे का ही? इसी बकरे का, सब इन्हीं के बच्चे हैं सब। चलिए अपन कुछ जो बच्चे हैं वो उठाइए थोड़ा सा, अपन दर्शकों को वो भी दिखाते हैं, और शानदार रिजल्ट आया है। जैसे ये बच्चा है इसी को उठाइए से, इसको जी बिल्कुल जी, ये देखिए इसी का बच्चा है, बहुत बढ़िया, इसी बकरे का बच्चा है, बहुत बढ़िया, ये देखिए कोई कमी नहीं है, सेम बकरी जैसे हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है आपके यहाँ पर? जी सर, जी सर रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे मैंने दर्शकों को शुरू में ही कहा कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप राजस्थान में हैं या कोई दूसरी जगह पर हैं। जिस तरह बकरियाँ खड़ी हैं सर, ये थोड़ा सा बताइए ये कितने कितने दांत पे होंगी, और एक ही बार बच्चे लिए हैं आपने, है ना इनसे? जी सर, अभी सर एक ही बार बच्चे दिए हैं सब। जी सर,
जे इन्हीं के बच्चे हैं जे जी। खड़े जा, एक साल के हो गए हैं। अच्छा, ये एक साल के होने वाले हैं। जी सर, जी सर, एक साल के होने, जे एक साल के जे हो गए, एक साल के होने वाले हैं सब, जे सब बच्चे सब। ये जो दो दो उस टाइम पे जो प्रेग्नेंट बकरियां आप लेकर आए थे जी, जब हम प्रेग्नेंट बच्चे लेके आ रहे हैं, उन्हीं के सभी बच्चे हैं। अच्छा जी सर। और ये अभी जी सर, जी अभी बच्चा दिए हैं अपने यहाँ, अभी 10 दिन हुए हैं। दोबारा जो बच्चे जी, दोबारा जो बच्चे दिए हैं जी अपने, 10 दिन हो गए जी। बहुत अच्छा। तो सर किस तरीके से आप रखते हैं, खाने पीने का ख्याल किस तरीके से रहता है आपके यहाँ पर, किस तरीके से आप इनको देते हैं ये खाने पीने का? सुबह मसूर का भूसा, चना का भूसा देता हूँ, हाँ, 9-10, 9 बजे, हाँ, 2-3 घंटा के बाद, फिर 12-1 बजे के बाद अपना जैसे टाइम मिला तो थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, फिर वहाँ से लेकर आए। अच्छा, तो गेहूँ के भूसा के साथ दाना भूसा मिला के देता हूँ, और शाम को फिर अपना फिर सूखा भूसा डाल दिया, अपना खाते रहे अपना, फिर अंदर बंद कर। ये अभी आपने क्या दिया हुआ है ये थोड़ा सा बताइए? ये नेपियर घास हुए, ये नेपियर घास काट के, अच्छा, कुट्टी काट काट के देते हैं इनको खाने के लिए, थोड़ा सा लगा रखे हैं। अच्छा जी सर, बिल्कुल। तो बीमारी वगैरह कोई ज़्यादा विशेष रूप से आपको देखने मिली है या नहीं मिली है ये थोड़ा सा बताइए? शुरू में सर थोड़ा से मिला रहा, हाँ हाँ, 2-4-6 महीने परेशानी हुआ रहा, फिर उसका 2-4-6 महीने के बाद परेशानी, कोई परेशानी नहीं अभी तक, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे शुरुआत में जो आप लाए तो शुरुआत में क्या समस्या देखने मिली थी आपको? शुरुआत में थोड़ी इनकी बुखार बुखार यही सब सर था, वहाँ के पानी में, यहाँ जैसे अपने भी बाहर चले जाते हैं तो आते बाहर आते जाते हैं तो सर्दी जुकाम हो जाता है, उसे इनको भी रहा थोड़े से पानी। अब यहाँ सेटलमेंट, पानी चेंज होने की वजह से, खाना चेंज होने की वजह से शुरुआत में जो समस्याएं देखने मिलती हैं जी सर, वो आपको भी देखनी पड़ी हैं जी सर, बिल्कुल। और फिर उसके बाद और जैसे गंभीर कोई वायरल इन्फेक्शन या जैसे कोई, हाँ, अगर हमने अगर मान लीजिए ध्यान नहीं दिया, टीके वगैरह नहीं लगाए, तो कुछ उस प्रकार की समस्या बड़ी बीमारी के रूप में आपको देखने नहीं मिली? बड़ी बीमारी देखने को नहीं मिला। हाँ हाँ जी। अगर हम समय समय पर मान लीजिए बकरियों का टीकाकरण जैसे आपने किया हुआ है जी, आ जाइए, तो अगर इस हिसाब से करते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या हमें देखने नहीं मिलती है जी सर, जी सर। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी बकरियां बहुत बढ़िया तैयारी में भी हैं, और अब ये एक बार बच्चे देकर, है ना, दूसरी बार बच्चे देकर तीसरी बार के लिए क्रॉस में चली है। बहुत अच्छा, शानदार। तो हमें जब बाहर से बकरियां लेकर आते हैं तो इन बात का ख्याल रखना चाहिए कि यार वो किस तरीके से हैं जी, चराई पर हैं या स्टॉल फीड पर हैं, तो अगर वहां पर हम इन्हें रखते हैं अपने यहां पर जिस तरीके से रखना है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि भाई हम शुरुआत में एकदम से इन्हें चराई पर बंद ना करें, थोड़े समय के लिए भले निकालते रहें, है ना, घुमाते रहें, तो क्या थोड़ा सा सूट कर जाएंगे तो फिर यहां रहन सहन उनको वातावरण में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। बिल्कुल। और आप लेकर आए थे उनमें से कितनी बकरियां जो बची, हाँ, थी आपके पास, 10 में से कितनी बकरियां? 10 में से 3 हमारे पास, 3 मोरलिटी भाई, 7 बची थी। तो 7 से आज चल के 27-28 हो गए, 7 से 27-28 बच्चे हो गए, है ना, 1.5 साल में जी। बिल्कुल। और ये जो फीमेल हैं, कुछ मेल भी इनके पास हैं, है ना, जो फीमेल हैं, अब जो संख्या बढ़ी है उससे अब ये फार्म जो है और जल्दी अभी जब डेवलप होगा, है ना, वो आपका भी मन लगेगा, क्योंकि शुरुआत में आपने भी देखा है, इससे इनके साथ जूझा है, आप भी सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ सीख गए इनमें, इनके साथ रह रह के जी जी, क्या चीज़ इनकी दिक्कत, क्या परेशानी है, तो वो जो हम लोग को समझने लगे हैं, हम लोग इनको समझने लगे हैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। तो अपने यहाँ पर जैसे बाहर निकालते हैं आप, तो क्या क्या खाने के लिए मिल जाता है, किसे बड़े चाव से खाती हैं, क्योंकि राजस्थान में तो पेड़ पौधे अलग तरीके के हैं, अपने यहाँ पर अलग तरीके के हैं जी, तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है? बेरी के पत्ते खा लेते हैं, हाँ, इमली के पत्ते खा लेते हैं, जो मीठी इमली होता है, हाँ, वो उनके पत्ते खा लेते हैं, और जंगली चारा वगैरह लगे रहते हैं उसमें भी वो खा लेते हैं जी जी। तो ये मिल जाते हैं अपने आप, अपने जैसे देसी बबूल है, नीम क्या है, ये बबूल भी खा लेते हैं, नीम भी खा लेते हैं जी। अभी तो आप ही लेकरते हैं, आप ही निकालते हैं और आप ही लेकर जाते जी, हैं जी, मैं लेकर जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, कभी मैं चला गया बाहर, मैं ट्रांसपोर्टिंग का काम करता हूँ, तो कभी पापा जी रहते हैं तो पापा जी घुमाने ले जाते हैं, नहीं तो फिर आप तो हैं ही जी, आप करते हैं जी। और तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार इतने जानवर हैं या
समस्या के रूप में अगर मैं देखूं तो मैनेजमेंट के हिसाब से देख रेख के लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लेबर को भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें जी। आपको ऐसा नहीं लगे कि यार सब जानवर बढ़ रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं एक लेबर की या उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कि आप अपने अंदाज से बताइए कि इन इतनी बकरियों में कितने देर का काम रहता है और आप कितना समय लग जाता है काम में, यहाँ थोड़ा सा ये बताइए। इतनी बकरियों के लिए सुबह एक डेढ़ घंटा समय लग जाता है और शाम को एक डेढ़ घंटा समय लग जाता है, उतने में सब इन्वॉल्व हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इनको सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं, सारी चीज़ें संभाल लेते हैं। बहुत अच्छा, मतलब अगर हम 20-25 जानवर हैं, 30 जानवर हैं, तब तक एक आदमी अकेला आदमी अकेला आदमी कर सकता है, कर कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत अच्छा, तो फिर जानवर बढ़ने के बाद तो फिर तो लड़का रखना ही पड़ेगा। जानवर अब अपने हिसाब से है, जितना बढ़ा सकते हैं जितना रख सकते हैं, अपने नहीं रखना है तो अपनी जितनी अपना जितना कर सकते हैं उतना रखें, उतना रखिए। तो सर जैसे आपके क्षेत्र में इस ब्रीड का पालन तो नहीं होता है, तो आप क्या आप लोग क्या आपसे भी मिलते होंगे, आपसे भी मुलाकात होती होगी लोगों की, अब क्या उनकी धारणाएं बदली हुई हैं? क्योंकि जब आपने शुरू में लेकर आए होंगे तब तो लोग इसे देखते रहे होंगे और आपने बताया होगा कि यार इस तरीके की इतनी महंगी बकरी हैं, तो लोग थोड़ा बहुत नहीं कहीं ना कहीं तो एक सवाल उनके मन में रहा कि यार ये कहीं घाटे का सौदा तो नहीं है। अब क्या लगता है, शुरू में लाए रहे तो बोलते यार बहुत महंगी बकरी लाए हो, यार इतनी महंगी बकरी कहाँ मिलती है, 6-7 हज़ार की बकरी, 8-10 हज़ार की बकरी है, इतनी महंगी महंगी 25-30 हज़ार की कहाँ बकरी है। मैंने कहा ठीक है, अभी महंगा लग रहा, महंगा तो लग रहा मगर इस नस्ल की बकरियाँ इधर नहीं है, सुरोही नस्ल की बकरियां नहीं है, महंगी लग रहा अभी तो ठीक अच्छा लग रहा। धीरे धीरे उनको भी समझ में आया कि यार साल भर की जो बकरी बनती है वो देख ही सकते हैं कि यार उसका वजन आराम से 50-60 किलो का बन ही जाता है जी, है ना। और ये जो यहाँ की देसी बकरी है उसका अगर हम देखें तो 30-35 किलो 40 किलो का, मतलब एक देखिए कि भाई 60% का 50% तक का अंतर पड़ता है जी सर। तो स्वाभाविक सी बात है उतने ही खर्चे पे अगर हम बड़ी ब्रीड की या किसी अच्छी ब्रीड का चयन करते हैं तो हमें इसका फायदा तो जरूर मिलेगा, जरूर मिलता है सर। और डिमांड भी मुझे लगता है कि इन बकरियों को देखकर आपके क्षेत्र में बढ़ी जरूर होगी, आपसे लोग बिल्कुल जरूर जी सर, डिमांड तो आते हैं है ना जी, डिमांड बकरियाँ देख कर जरूर डिमांड आती होगी बिल्कुल। तो दोस्तों जब कभी भी कहीं से भी बाहर से बकरियां लेकर आएं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि भाई उनको पहले अपने यहाँ पर ढालने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि भाई किस तरीके से उन बकरियों का पालन हो रहा था, पहले उसी तरीके से रखें और जिस चारे भूसे पर वो सेटल थी पहले उस कोशिश करें कि 1-1.5 महीने का वहाँ से चारा लेकर आएँ और उसके बाद ही आप अपने यहाँ पर है ना अपने चारे के ऊपर ढालें। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपको सर का फार्म और बकरियाँ पसंद आई हों या सर से कोई जानकारी चाहिए हो तो मैंने सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।